आज हम लोग एबिट्स पुलिस स्टेशन पे गए थे एक केस बुक करने के लिए। पंडित संजय किशन रेड्डी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट में और केस रजिस्टर हुआ। सेंट्रल जोन डीसीपी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हम लोग का केस लिए। वजह ये थी केस बुक करने की कि जो है चारमीनार की एक फोटो यूज करे ये लोग और जो है प्रोवोकेट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के, जो झंडे की कोई अहमियत नहीं है। वो झंडा जो है ये लोग चारमीनार जो 400 साल पुरानी मस्जिद है वो लोग ये लोग जो है उसके ऊपर अपना झंडा लगा के अब हम लोग को जो है ना प्रोवोकेट करना चाह रहे हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोवोक करके हिंदुस्तान के हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो है हम लोग इसके ऊपर कंप्लेंट कर दिए। अब इसके ऊपर जो है ना मुझे पूरा यकीन है कि जो सेक्युलर पुलिस है हैदराबाद की, जो सेक्युलर डीसीपी साहब है सेंट्रल जोन, जो सेक्युलर इंस्पेक्टर है अभी, इसको फौरन हटाएंगे। अंजनी कुमार साहब, महेंद्र रेड्डी साहब फौरन लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं होने देंगे और फौरन ये प्रोवोकेटिव होर्डिंग यहाँ से हटाएंगे। जो प्रोवोकेट कर रही माइनॉरिटीज को उनके अगेंस्ट में जो है ना ये मस्जिद की एक फोटो, चारमीनार मस्जिद की फोटो लगा के जो है ना कम्युनल फीलिंग पैदा करना चाह रही बीजेपी, ये लोग नाकामयाब हुए इस चीज में। हम लोग भी जो है इसमें सबसे पहले आके कंप्लेन करके पुलिस के सामने ये अपील करें कि आप लोग एक्शन लो। हम बिल्कुल भी जो है, मेरे को बच्चे फोन करके बच्चे बोल रहे थे कुछ कि हम जो है ना इसके ऊपर काली सियाही डाल देंगे या तो फिर जो है ना इसको फाड़ देंगे, क्योंकि इसमें जो है ना मस्जिद की तौहीन है। मगर मैं पूरी उम्मीद में कि जो है ना अंजनी कुमार साहब इस पे जो है ना एक्शन लेंगे, डीसी महेंद्र रेड्डी साहब एक्शन लेंगे। हम लोग जो है ना एबिट पुलिस स्टेशन गए और वहां पे इंस्पेक्टर साहब हम लोग को यकीन भी दिलाए कि इसके ऊपर एक्शन होगा। फिर मैं डीसीपी सेंट्रल जोन से भी बात करा, वो भी यकीन दिलाए कि इमीडिएट एक्शन लेंगे और ये होर्डिंग यहाँ से हटाएंगे भी और ईवी और ईडी वाले भी इनके ऊपर एक्शन लेंगे। तो शहर भर में जो है ना ये पोस्टर्स लगा रहे हैं।